जैन सैफी फेवरेट है। जैन सैफी को सब देताना चाहेंगे आप? जैन सैफी बेसिकली हम तो हिंदू हैं, तो हम तो भाई अपने हिंदू भाई को ही सपोर्ट करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अदर वीडियो। कैसे हो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला हो। और इसमें आपके जा रहे हैं भाई राउंड 12 की टीम से जैन सैफी और एलबी शादत के दोस्त लव कटारिया, और इन दोनों में हम वर्सेस करने वाले हैं और पब्लिक रिव्यू लेने वाले हैं। पब्लिक किसको जिताना चाहती है बिग बॉस OTT सीजन 3। और वीडियो में सबसे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो भैया बिग बॉस OTT सीजन 3 आने वाला है, जो कि मतलब काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। पहले एलबी यादव जीते थे, उसके बाद अब आ रहा है जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो उसमें एक तो जैन सैफी आ रहे हैं और उसमें आ रहे हैं लव कटारिया, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको जिताना चाहते हो? जैन सैफी को जिताना चाहेंगे आप? जैन सैफी क्यों? जैन सैफी पसंद है और सबकी पसंद है जैन सैफी। लोकल तो खास होगी जो लोकल, मतलब लव कटारिया एलविस यादव के बहुत करीब है, तो आप जो लोकल वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा फेमस है और काली एक से एक फेमस है। कोई डायलॉग उनका जो बोलना चाहे? नाजिम बोरिया चंदूंगा नोटों की तो अरे बाबा। लव कटारिया के लिए कुछ बोलना होगा? कौन है लव कटारिया? मैंने तो देखा भी नहीं भाई। आप नहीं जानते लव कटारिया को? नहीं, लव कटारिया को नहीं जानते भाई। जो अच्छा खेलेगा उसे जिताएंगे, वैसे तो जैन सैफी को जिताएंगे क्योंकि फनी है वो, सब बचपन से देखते आ रहे हैं इसलिए। बिल्कुल भाई, जैन सैफी भाई। कोई खास चीज उनकी जो आपको? कॉमेडी करता भाई, और क्या चाहिए हमें? जो अच्छा लगे उसको जिताएंगे। सो भी तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए, बस एंटरटेनमेंट जो करेगा उसे जिताएंगे। तो आपको जैन सैफी राउंड 12 वाले आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं एलबिस यादव के दोस्त लव कटारिया, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको जिताना चाहते हो? बेसिकली आपका अगर जैन सैफी आ रहा है तो हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं सारे के सारे लव कटारिया बजाएंगे। सही पकड़े हैं। अच्छा, ठीक है। अगर मैं बेसिकली अगर उसके हिसाब से बात करूं, तो अगर मैं अराउंड क्या नाम है आपका ओवरऑल बात करूं ना, तो ज़्यादातर सपोर्टेड आपका उसके होंगे अराउंड 12 के, बिकॉज उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है। बेसिकली हम तो हिंदू हैं, तो हम तो भाई अपने हिंदू भाई को सपोर्ट करेंगे। सही पकड़े हैं, लव कटारिया। और नहीं तो क्या, जय श्री राम बोल दिया सारे सारे भाई कमेंट में भी भाई। जय श्री राम बोल देना। पब्लिक तो किसी को भी जीता है, जैन सैफी जीतेगा। जैन सैफी फेवरेट है आपको? संजय सर, जैन सैफी जीतेंगे भाई। क्यों? ये पूछने वाली क्वेश्चन ही नहीं है भाई। जैसे मैं सही बताऊँ तो अभी जैसे मतलब जितने भी यूट्यूबर है, जैसे आशीष चंचलानी, हर्ष बैनी वाले जितने भी हैं, अमित वड़ाना, तो उनमें से सबसे फेवरेट तो राउंड 12 ही है। मेरे को सही बताओ तो मतलब पर्सनैलिटी या जो भी बोल दो वो बात तो अलग है, बस मेरे को जैन सैफी का गाली देने का तरीका ही सबसे फेवरेट लगता है। उसकी कोई भी गाली ले लो ना, मतलब जैसे कॉमेडी की स्क्रिप्ट अलग साइड, उससे जो गाली देता है वो अलग साइड। आप बताइए आप क्यों जैन सैफी को जिताना चाहते हैं? मैं जिताना चाहता हूँ यार। पहली बात तो मैं वोट तो करता नहीं, पर जैन सैफी जीतेगा क्योंकि तो उसके तो फैन फॉलोइंग ना भाई बिल्कुल साइलेंट है। वो कर दिखाएंगे, देखिए वो ज़्यादा स्टोरी लाए, वो कर दिखाएंगे बस। उनके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को तो यही पता है। क्योंकि भाई उन पर तीन बंदों का सपोर्ट है, उन पर तीन का सारे जो उनके और भी है ना। तो जैसे लव कटारिया तो एक टाइप से मतलब मैं बताता हूँ, जैसे 10% भी लोग नहीं जानते होंगे डायरेक्ट वोट हो वर्सेस में, तो एलविस यादव से भी वो जीत जाएगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सही बता रहा हूँ, एलविस यादव और उनमें वैसे जमीन आसमान का अंतर है। वो 32 मिलियन रखकर बैठे यूट्यूब पर, कहाँ 15 मिलियन। और उनके यूट्यूब वालों के मतलब जितने भी हैं उन्होंने ही कॉमेडी सिखाई है, जितने भी यूट्यूबर बने हैं अभी नए उनको सिखाई है, और बॉलीवुड तक उनको क्लब मांगता है, वो ऐसे बंदे हैं। तो आपने बहुत सटीक जवाब दिया भाई। जितना उन्होंने अपनी वीडियो की क्वालिटी सुधारी है ना, पता है जियो का मैं बेहतर हूँ, मैं कब से देख रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ। पहली वीडियो देखी थी मैंने, सीक्रेट वाली देखी थी, उसके बाद जो अब बना रहा है वेब सीरीज खेला उनके सामने। सीरीज हॉलीवुड लगता है कि आप उनकी एज ऑफ बैटर देख लो, और जॉम्बी देख लो, जॉम्बी पार्ट 2 देख लो, और वो 1965 है 1959 वो देख लो आप। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे वीडियो और वाइफ सीन, वो ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं कि स्कूल का प्यार, भाई बहन की लड़ाई। ये कॉमन कंटेंट है भाई, ये कॉमन कंटेंट है, वो दिखाते हैं वो रियल लाइफ चीज है, थोड़ा अलग दिखाएंगे तो रियल लाइफ दिखाएंगे, अलग बना रहे हैं। दिखाएंगे तो रियल लाइफ दिखाएंगे तुम्हारा, जिससे तुम रिलेट कर सको, अदरवाइज दिखाएंगे तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज दिखाएंगे जो हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते कभी। आदि मानव में आप देख सकते, आदि मानव देख लो, उसमें भी मस्त एक्टिंग थी।
जैसे तीनों मतलब दोस्त है तो इनमें मतलब लाइक एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती नेचुरली, मतलब गाली भी देते तो नेचुरली एक दूसरे को देते एक्टिंग करते, मतलब जो मतलब जैसे हम लाइक फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं तो जो नॉर्मल बातचीत करते हैं कई बार वो वैसे भी करते हैं तो नेचुरल जो निकल के आता है वो एक अलग ही होता है। इनमें लगता नहीं कि हाँ भाई ओवर एक्टिंग करी है, कट रहा है, बोला तो चल ही रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो देखी और इसका रिव्यू बताएं। तो भाई यार ज्यादातर पब्लिक जैन सेफी को जिता रही है और आप किसको जिताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे और पब्लिक का प्यार आपको दिलाते रहेंगे। राम राम सारे।